पवित्र आत्मा तेरे लहू में कवर करता हूँ और आशीष देता हूँ आज इस कलीसिया को, आशीष देता हूँ छत्तीसगढ़ वालों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रभु ये बढ़ते फूलते चले जाए, इनके तंबू चौड़े हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके घर चौड़े हों, इनके बिजनेस चौड़े हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करे, जो चीख रहा और चिल्ला रहा है वो चौड़ा हो रहा है इस हफ्ते में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूं और दंडवत करता हूं कि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में प्रॉफिट बजनर सिंह की जो चंगाई सभा रखी गई थी उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कितने ही लोग वहां पर मिलकर इस प्रार्थना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार उन्होंने ये ठान लिया कि हम किसी भी हालत में इस प्रार्थना को वहां पर होने नहीं देंगे, और किस तरीके से ये लोग तरह तरह के आरोप प्रॉफिट बजनर सिंह के ऊपर लगा रहे हैं, और कोई रेप का आरोप लगा रहा है, कोई कैसा लगा रहा है, कोई धर्मांतरण का लगा रहा है, तरह तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में, पहले वो आज यहाँ पे नहीं आ पाए छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन आज से 5 साल पहले जब वो छत्तीसगढ़ के अंदर आए थे तो उनकी एक प्रार्थना सभा की एक वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जब आज से 5 साल पहले जब प्रॉफिट बजेंद्र यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा उन्होंने की थी तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को परमेश्वर ने उनके द्वारा आशीष की। आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, फिर आगे डिटेल में हम बात करेंगे। कितने लोग खुश हैं? आप सब आपकी स्माइल बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। आज मैं प्रभु का दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह और प्रभु के दास प्रॉफिट अनीका आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप बढ़ते फूलते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हम दोनों धन्यवाद करते हैं शुभम पटेल का और उसकी फैमिली का और उसकी टीम का और यहाँ पर आए हर एक पास्टर का, हर एक विश्वासी का, अतिथि गण का, हर एक टीम मेंबर वॉलंटियर को आए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर हर एक पुलिस प्रशासन का साहब का हर व्यक्ति का मैंने साहब का सबका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कामों में हाथ डाला है। परमेश्वर उनको सौ गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सबको यहाँ पर इकट्ठा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, शैतान को अच्छा नहीं लगता। अभी जब मैं 15 किलोमीटर में था तो बारिश आ रही थी बड़ी तेज, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा डोंट वरी तू स्टेज पर जा, बारिश नहीं आई। हालेलुया, बोला हालेलुया। ये छोटी मोटी किरमी है, चिंता नहीं करनी। बोला हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, साथ है कि नहीं? ये आशीष की बूंदें हैं और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का। बोला हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? आज तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप तैयार है तो आज जल्दी से परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है? आपकी जिंदगी में आशीष कौन लेकर आने वाला है? मनुष्य नहीं लेकर आने वाला, खुदा का कलाम लेकर आने वाला है। पवित्र आत्मा तेरे लहू में कवर करता हूँ और आशीष देता हूँ आज इस कलीसिया को, आशीष देता हूँ छत्तीसगढ़ वालों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रभु ये बढ़ते फूलते चले जाए, इनके तंबू चौड़े हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके घर चौड़े हों, इनके बिजनेस चौड़े हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करे, जो चीख रहा और चिल्ला रहा है वो चौड़ा हो रहा है इस हफ्ते में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और दंडवत करता हूँ कि उसे हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। छत्तीसगढ़ वाले याद रखना, आपको फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तेरा आज बेशक लोग क्या करते हैं, ऊपर से फेयर एंड लवली लगाते हैं, सुंदर होकर दिखाते हैं, नहीं, लेकिन आज मेरे खुदा का कलाम आपको अंदर से सुंदर बनाकर जाएगा यीशु मसीह के सामने। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि आज से 5 साल पहले जब प्रॉफिट बजेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के अंदर जब इन्होंने अपना चंगाई सभा लगाया था, जब क्रूसेड लगाया था, तो किस प्रकार से परमेश्वर ने इनके द्वारा अपने लोगों से बात की और परमेश्वर ने अपने लोगों से को सामर्थ से भरा। तब इतना विरोध नहीं था, लेकिन आज जब 5 साल बीत चुके हैं तो आज का जो छत्तीसगढ़ का माहौल है किस तरीके से बदल चुका है। आप लोग जानते हो इस बात को कि कितनी ही वीडियोज मैंने भी अपने चैनल पर अपलोड कर दी कि ये जो
लोग हैं ज्योति शर्मा, रतन यादव और इनके जो दल के लोग हैं, किस तरीके से ये बार बार इस बात की कोशिश कर रहे कि हम किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ के अंदर प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को आने नहीं देंगे, हम इस चंगाई सभा को होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आज भले ये प्रार्थना वहां पर नहीं हो पाई है, लेकिन आने वाले दिन में, क्योंकि मैंने कल अपने चैनल पे आप लोगों को दिखाया था कि 29 और 30 अक्टूबर को हो सकता है ये मीटिंग वहाँ पर रखी जाए, लेकिन नहीं हो पाई तो अगले नवम्बर में रखने की इस प्रार्थना की योजना है। बाकी जो भी परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए किसी मनुष्य की राय नहीं लेता। जो परमेश्वर की इच्छा है वो जिसको इस्तेमाल करना चाहे वो उसी को इस्तेमाल करेगा। और आप जानते हैं कि कितने ही मसीह विश्वासी लोग भी इस तरीके से प्रार्थना से खुश नहीं थे, उन्होंने इस प्रार्थना को रोकने का प्रयास किया और फाइनली आज ये प्रार्थना नहीं हो पाई है वहाँ पर। लेकिन आने वाले दिनों में अगर प्रभु की इच्छा है तो ज़रूर ये प्रार्थना होगी, हमारी यही प्रार्थना है। बाकी आप प्रभु में बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। बाय बाय।